गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आवर टूडेज टॉपिक इज ब्लड वेसल्स. इन लास्ट वीडियो वी स्टडीड अबाउट कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड, इन विच वी स्टडीज अबाउट RBCs, WBCs एंड प्लेटलेट्स. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट ब्लड वेसल्स. ब्लड वेसल्स क्या होती हैं? ब्लड फ्लो थ्रू ए कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ ट्यूब्स और वेसल्स कॉल्ड ब्लड वेसल्स. कि ब्लड हमारी बॉडी में किसके थ्रू फ्लो करता है? एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता है, सिस्टम ऑफ ट्यूब्स और ब्लड वेसल्स कॉल्ड ब्लड वेसल्स. की हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है, मतलब ट्यूब्स के थ्रू एक सिस्टम होता है, कॉम्प्लेक्स सिस्टम, यानी बिल्कुल सिंपल होता है, कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता है ब्लड वेसल्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, ब्लड वेसल्स. और उसके अंदर क्या होता है, द ब्लड वेसल्स आर ऑफ थ्री टाइप्स. थ्री टाइप्स की होती है हमारी बॉडी में ब्लड वेसल्स. एक होती है हमारी आर्टरीज, सेकेंड होती है हमारी वेन्स एंड थर्ड होती है हमारी कैपिलरीज. ठीक है, क्या क्या होती हैं? आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज. तो कैपिलरीज आर द थिनेस्ट ऑफ थ्री. तीनों में से क्या होती हैं, कैपिलरीज क्या होती है, सबसे थिन होती हैं एंड कनेक्ट आर्टरीज टू वेन्स. और क्या करती हैं, आर्टरीज को किससे कनेक्ट करती हैं, वेन से कनेक्ट करती हैं. यानी अगर यहाँ पे आर्टरीज हैं, यहाँ पे वेन्स है, तो दोनों को कनेक्ट कौन करती है, हमारी कैपिलरीज. देखो ये फिगर, इसमें क्या है, ये क्या है, हमारी आर्टरीज. ठीक है, एक स्मॉल आर्टरीज इसके अंदर से निकलती है, हमारी आर्टरी है, तो इसके अंदर से एक स्मॉल आर्टरी निकलती है. ठीक है, जो रेड कलर में होगी वो हमेशा आर्टरी को डिनोट करेगी, और जो ब्लू कलर में होगी वो हमेशा वेन्स को डिनोट करेंगी. वो भी एक रीज़न है, बताऊँगी आगे. ठीक है, तो आगे ये क्या है, जो रेड कलर है ये आर्टरीज है, ये वेन्स है, तो बीच में ये दोनों को जो कनेक्ट कर रही है वो क्या, हमारी कैपिलरीज. कौन कनेक्ट कर रही है दोनों को, कैपिलरीज. ठीक है, कैपिलरीज की हेल्प से हमारे जो वेन्स हैं और जो हमारी आर्टरी और जो वेन्स है, वो दोनों एक दूसरे के साथ क्या हो रही है, इंटर कनेक्ट. ठीक है, अब आर्टरी देखो, कैपिलरीज तो हमने स्टडी कर लिया कि ये थिन होती है बिल्कुल, और क्या करती है, सिर्फ इनकी ज्वाइनिंग का वर्क करते हैं. ठीक है, ज्वाइन करते हैं किसको, आर्टरीज एंड वेन्स को. ठीक है, नाउ वी विल स्टडी अबाउट आर्टरीज एंड वेन्स. देखो यहाँ पे क्या है, आर्टरीज और वेन्स में क्या डिफरेंस गिवन है, तो उससे आपको इजिली क्लियर हो जाएगा कि आर्टरीज क्या होती है और वेन्स क्या होते हैं. देखो आर्टरीज, जब भी वर्ड आए आर्टरीज क्या करेंगे, देखो हमारा टू टाइप्स का ब्लड होता है. ठीक है, टू टाइप्स का ब्लड होता है हमारी बॉडी में. एक होता है हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड. ठीक है, अभी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता क्या है, ऑक्सीजन. ठीक है, नेम से ही पता चल रहा है क्या है इसके अंदर, ऑक्सीजन. ऑक्सीजनेटेड यानी ऑक्सीजन रिच, कि जिसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में क्या प्रेजेंट होगी, ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी, उसको हम बोलते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड. नेक्स्ट एक हमारा होता है डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड. ठीक है, एक हमारा ऑक्सीजनेटेड एंड सेकेंड इज डी ऑक्सीजनेटेड. डी वर्ड जहाँ पे भी आ जाए, डी का मीन्स क्या होता है, रिमूवल. क्या होता है, डी वर्ड का मीनिंग क्या होता है, रिमूवल. आप देखो आगे कि डी ऑक्सीजनेटेड यानी डी यानी रिमूवल, ऑक्सीजन ऑक्सीजनेटेड यानी ऑक्सीजन, कि ऑक्सीजन का क्या हो चुका है, यहाँ से रिमूवल हो चुका है, यानी जितनी ऑक्सीजन थी उसको क्या कर लिया गया है, यूज़ कर लिया गया, वो रिमूव हो चुकी है. तो मतलब ऑक्सीजन क्या होगी, यहाँ पे रिच थी, तो यहाँ पे क्या होगी, रिमूव हो चुकी है, तो क्या होगा, ऑक्सीजन डेफिशिएंट, यानी ऑक्सीजन की क्या हो जाएगी, लैक हो जाएगी, कमी हो जाएगी. तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड. ठीक है, ऑक्सीजन डेफिशिएंट. ठीक है, डी ऑक्सीजनेटेड भी बोलते हैं हम इसको. अब दोनों टाइप्स का ब्लड के लिए क्या, दोनों जो ऑक्सीजनेटेड और डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ट्रांसपोर्ट करने के लिए क्या होते हैं, टू टाइप्स ऑफ ही हमारी क्या होती है, वेन्स या फिर आर्टरीज, मतलब टू टाइप की ब्लड वेसल्स होती हैं. तो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सप्लाई करती है वो क्या होती है, हमारी आर्टरीज. क्या होती हैं वो, आर्टरीज. आर्टरीज क्या करती हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सप्लाई करती हैं. लेकिन सेकंड क्या होती है हमारे, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमारे सप्लाई कौन करती हैं, वेन्स. ठीक है, ऑक्सीजनेटेड को कौन करती हैं, आर्टरीज सप्लाई करती हैं, और डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कौन सप्लाई करती हैं, वेन्स. ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट आर्टरीज में यही गिवन है, दे कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी. ये क्या करती हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं, कहाँ से कहाँ तक, हार्ट टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, कि हार्ट से कहाँ तक लेके जाती हैं, हर एक बॉडी के पार्ट्स तक. ठीक है, नेक्स्ट है वेन्स. वेन्स क्या करेंगी, इससे अपोजिट फंक्शन करेंगी. ठीक है, हमेशा आर्टरीज से अपोजिट फंक्शन किसका रहेगा, वेन्स का. ठीक है, अब ये क्या करती हैं, दे कैरी डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड. डी ऑक्सीजनेटेड यानी जिसमें क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है और ऑक्सीजन क्या है, डेफिशियंट. ठीक है, फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स, ये डिफरेंट पार्ट से क्या करेंगी, कलेक्ट करेंगी उस ब्लड को, और कहाँ तक सप्लाई करेंगी, हार्ट तक. हार्ट क्या करेगा, उसको दोबारा से क्या करेगा, प्योरीफाई करेगा. ठीक है, उसको मतलब लंग्स तक भेजेगा, और लंग्स में क्या होगा, वो प्योरीफाई होकर वापस आएगा. ठीक है, अब देखो इसके अंदर कि
जो आर्टरीज है, आर्टरीज से क्या होता है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है, कहाँ तक जाता है आर्टरीज से, हर एक बॉडी पार्ट के अंदर क्या हो जाता है, आर्टरीज से ब्लड सप्लाई हो जाता है, ठीक है। आर्टरीज कहाँ करेंगे, उसके बॉडी पार्ट्स के अंदर क्या करेंगे, सप्लाई करेंगे, ठीक है। अब बॉडी पार्ट्स के अंदर जब हमारी आर्टरीज क्या कर देंगी, ब्लड को सप्लाई कर देंगी, तो बॉडी पार्ट्स के पास जाने के बाद उसको कौन यूज़ करेगा, बॉडी पार्ट्स में कौन यूज़ करेगा उसको, हर एक बॉडी पार्ट यूज़ करेगा। किसके लिए यूज़ करेगा, कि वो फूड से क्या लेगा, एनर्जी लेगा, ऑक्सीजन को यूज़ कर लेगा, ठीक है, उससे एनर्जी ले लेगा। उसके बाद वहाँ से क्या रिलीज़ होगी, CO2 प्लस एनर्जी, ठीक है, या फिर वेस्ट मटेरियल। तो सारे को कैरी करके फिर कौन कौन लेके जाएगा, ब्लड ही लेके जाएगा। लेकिन वो मतलब यूज़ करने के बाद वो ब्लड क्या हो जाता है हमारा, इम्प्योर। उस इम्प्योर ब्लड को आगे कौन करता है, फिर आगे वो कहाँ तक ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, वेन्स के पास। तो वो वेन्स उसको क्या, कहाँ लेके जाते हैं, फिर हार्ट तक, ठीक है। हार्ट उसको फर्दर कहाँ भेज देता है, लंग्स के पास, किसके लिए, प्योरिफिकेशन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है, द ओनली एक्सेप्शन इज़ द पल्मोनरी आर्टरी। देखो वैसे तो हमने बोला कि सारी आर्टरीज क्या करती हैं, कौन सा ब्लड कैरी करती हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, बट एक एक्सेप्शनल केस है पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी एक ऐसी आर्टरी है जो क्या करती है, विच कैरीज डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, की ऑक्सीजनेटेड ब्लड की बजाय ये कौन सा ब्लड कैरी करती है, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। कौन सी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी वर्ड हमेशा किससे रिलेटेड होता है, लंग से। पल्मोनरी जो आर्टरी आपकी, वो कौन सा ब्लड कैरी करती है, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। देखो वैसे आर्टरी है, कौन सा ब्लड कैरी करना चाहिए, डी ऑक्सीजनेटेड, बट यही तो यहाँ पे एक्सेप्शनल केस है, एक्सेप्शनल केस है ये। इसको हमेशा स्टार लगा के याद करना कि जो पल्मोनरी आर्टरी है वो कौन सा ब्लड कैरी करती है, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और पल्मोनरी वर्ड जहाँ पे आ जाए, पल्मोनरी रिलेटेड होता है आपका लंग्स से। तो ये जो आर्टरी है, ये आर्टरी कहाँ से निकलती है, आपकी लंग्स से निकलती है, लंग्स से निकलती है, इसलिए कौन सा ब्लड कैरी करती है, डी ऑक्सीजनेटेड। ऐसे ही सेम केस वेंस में है, वेंस में भी एक एक्सेप्शनल केस है। ये तो था पल्मोनरी आर्टरी का, वेंस में है पल्मोनरी वेन, ठीक है। एक पल्मोनरी नाम की वेन्स है जो क्या करते हैं, ये भी पल्मोनरी यानी रिलेटेड टू लंग्स, तो ये भी कहाँ से निकलती है, लंग्स से निकलती है। इस वेन्स, ये वेन कौन सा ब्लड कैरी करती है, ऑक्सीजनेटेड, ठीक है। ये एक एक्सेप्शनल केस है कि ये मतलब वैसे तो आर्टरी कौन सा ब्लड कैरी करेंगे, ऑक्सीजनेटेड, बट एक हमारी पल्मोनरी आर्टरी है जो कौन सा ब्लड कैरी करेगी, डी ऑक्सीजनेटेड। ओके, इज दैट क्लियर। ऐसे पल्मोनरी वेन्स भी है, क्या है, कौन सा ब्लड कैरी करेगी, ऑक्सीजनेटेड, ठीक है। और जो हमारी आर्टरीज हैं, आर्टरीज हमारी बॉडी के डीप मिलती हैं, बिल्कुल डीप इन द बॉडी, यानी आप ऊपर से देख नहीं सकते कि यहाँ पे आर्टरीज प्रेजेंट है, ठीक है। लेकिन जो वेंस होती हैं, वेंस डीप नहीं मिलती, वेंस कहाँ हैं, बॉडी के सरफेस पे ही मिलती है। देखो ऐसे जैसी ब्लू ब्लू कलर की वेंस दिखाई दे रही है ना, तो ये क्या आपकी यहाँ पे वेंस, ठीक है, ब्लू कलर की जो दिखाई देती है, ये क्या आपकी वेंस, ठीक है। तो ये वेंस आपकी मतलब इजीली दिखाई दे जाती हैं, ग्रीनिश ब्लू कलर की होती हैं, और मतलब क्लोजर टू द बॉडी, बॉडी के सरफेस के क्लोज प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, दे हैव थिकर इलास्टिक वॉल्स विच हेल्प्स टू सस्टेन द प्रेशर विच विद विच द ब्लड फ्लोज थ्रू दैम। कि जो आर्टरीज होती हैं उनकी जो वॉल्स होती हैं वो कैसी होती है, थिक होती हैं, कि ये मैक्सिमम प्रेशर क्या कर सके, लगा सके आगे ब्लड को फ्लो कराने में। बिकॉज ये क्या होता है, इस टाइम पे ब्लड ज़्यादा थिक होता है, ऑक्सीजन की अमाउंट ज़्यादा होती है, तो प्रेशर की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, ठीक है। लेकिन जो वेंस होती है, वेंस में क्या होती है, थिन वॉल होती हैं। दे डू नॉट हैव एनी वाल्व्स, इनके ऊपर इनमें क्या होती है, कोई भी वाल्व नहीं होती। तो ईजिली क्या होता है, वाल्व क्या होती है, एक मतलब फ्लैप और टिश्यू लाइक स्ट्रक्चर होता है जो क्या कर सकता है, उसको स्टॉप कर देगा ब्लड की एक ही साइड क्या होगा, फ्लो होगा। लेकिन इसमें वाल्व ही नहीं है, तो ये क्या करेगा, दोनों साइड में क्या हो सकता है, ब्लड फ्लो हो सकता है, ठीक है। सपोज ये आर्टरी, यही लगा लो, ये आर्टरीज है, यहाँ से अगर ब्लड जा रहा है तो ये बैक में भी जा सकता है, और मतलब आगे भी, फॉरवर्ड भी मूव कर सकता है और बैकवर्ड भी मूव कर सकता है, ठीक है। लेकिन जो हमारी जो वेंस होते हैं, वेंस के अंदर क्या होता है, सीरीज ऑफ वाल्व्स की वाल्व्स प्रेजेंट होती हैं जो क्या करती हैं, अलाउज द ब्लड टू फ्लो ओनली इन वन डायरेक्शन, की जो ब्लड फ्लो होगा वो सिर्फ किस डायरेक्शन में होगा, ओनली वन डायरेक्शन में फ्लो होगा, ठीक है। आर्टरीज फर्दर ब्रांच इंटू इवन स्मॉलर वेसल्स कॉल्ड आर्ट्रियोल्स विच ज्वाइन द कैपिलरीज। कि आर्टरीज क्या करती हैं, फर्दर क्या कर जाती हैं, इवन स्मॉलर स्मॉलर वेसल्स में दोबारा से फिर क्या हो जाती हैं, स्मॉलर स्मॉलर वेसल्स कॉल्ड आर्टरीज दोबारा से फिर क्या हो जाती हैं, डिवाइड हो जाती हैं छोटी छोटी ब्रांचेज में, जिसको हम क्या बोलते हैं, आर्टरियोल्स विच ज्वाइन द कैपिलरीज। और वो आर्ट देखो, ये क्या हमारी आर्ट
आर्टरी, उसके बाद ये क्या है, इनको हम क्या बोल सकते हैं, आर्टरियोल्स, बिकॉज ये क्या है, इसकी ब्रांच आगे, फिर ये छोटी छोटी क्या है, इसकी सारी ब्रांचेस, तो इनको हम क्या बोल सकते हैं, आर्टरियोल्स, ठीक है। और ये क्या कर लेते हैं, फर्दर ज्वाइन कर लेते हैं कैपिलरीज को, ठीक है। वेन्यूल्स आर द फाइन ब्लड वेसल्स दैट अराइज फ्रॉम कैपिलरीज। अब वेन्यूल्स क्या होती हैं, जो वेन्स हैं, वेन्स से छोटी छोटी जो ब्रांचेज निकलती हैं उनको हम वेन्यूल्स बोलते हैं, जो कैपिलरीज से ही निकलती हैं। लेकिन कौन सा ब्लड होता है उनके अंदर भी, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और ये किसको फर्दर किसको ज्वाइन कर लेती हैं, वेन को, ठीक है। अब देखो, कैपिलरीज आर एक्सट्रीमली थिन ब्लड वेसल्स विच कनेक्ट द आर्टरीज एंड वेन्स। ये फंक्शन हम पहले भी रीड कर चुके हैं कि कैपिलरीज क्या करती हैं, सिर्फ किसको, आर्टरीज और वेन्स को क्या करती हैं, कंबाइन। द वॉल्स ऑफ द कैपिलरीज आर सो थिन दैट द डिफ्यूजन ऑफ गैसेज एंड न्यूट्रिएंट्स टेक्स प्लेस वेरी इजली। कि जो वॉल्स होती हैं कैपिलरीज की, वो क्या होती हैं, बिल्कुल थिन होती हैं, दैट द डिफ्यूजन ऑफ गैसेज एंड न्यूट्रिएंट्स टेक्स प्लेस इजली। कि जो डिफ्यूजन है वो गैसेज का इजली क्या, उसके कि मतलब कोई भी आर्टरीज है, ठीक है, किसी भी टिश्यू को क्या चाहिए, ब्लड चाहिए, ठीक है, फूड न्यूट्रिएंट्स चाहिए, तो क्या होता है, हाई कंसंट्रेशन टू लो डिफ्यूजन क्या होता है हमारा, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। सपोज यहाँ पे क्या ज़्यादा हमारे फूड मटेरियल्स हैं, तो ये क्या कर सकता है, इनकी जो वॉल्स होती हैं वो क्या होती है, थिन होती हैं कैपिलरीज की, कैपिलरीज यहाँ पे हैं सॉरी, तो थिन वॉल्स होती हैं, तो इसके अंदर से इजिली क्या कर सकता है, सारा फूड मटेरियल क्या हो सकता है, कोई भी टिश्यू एब्जॉर्ब कर सकता है। नेक्स्ट हमारा हार्ट। हार्ट इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी। यू ऑल नो कि हार्ट के बिना तो कोई फंक्शनिंग नहीं है। इट इज़ लोकेटेड बिटवीन द लंग्स स्लाइटली टिल्टेड टुवार्ड्स द लेफ्ट लंग। ये क्या क्या प्रेजेंट होता है, बिटवीन लंग्स के बीच में प्रेजेंट होता है, लेकिन जो हमारा स्लाइटली कहाँ प्रेजेंट होता है, टुवार्ड्स द लेफ्ट लंग, थोड़ा सा लेफ्ट लंग की साइड प्रेजेंट होता है, इसलिए हम क्या बोलते हैं कि हाँ हमारा हार्ट कहाँ प्रेजेंट है, लेफ्ट साइड में प्रेजेंट है। इट इज़ वेल प्रोटेक्टेड बाई द रिब केज। और ये किससे प्रोटेक्ट होता है, रिब केज से। अब रिब केज का आपने सिक्स क्लास में स्टडी किया था, जब आपने बोन्स वाला चैप्टर स्टडी किया था, कि जो हमारी रिब केज है वो क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है लंग्स को, हार्ट को, ठीक है। इट इज़ अबाउट द साइज ऑफ योर क्लोज फिस्ट। फिस्ट की जो आपकी क्लोज फिस्ट है, यानी बंद मुट्ठी है, इसका साइज सिर्फ इतना ही होता है, ठीक है। इट इज़ अ मस्कुलर एंड हैज़ अ पावरफुल पंप लाइक स्ट्रक्चर दैट पंप्स ब्लड इन टू द ब्लड वेसल्स ओवर 1000 times इन अ डे। इसके अंदर क्या होता है, मस्कुलर और पावरफुल पंप लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं कुछ, वो आगे हम स्टडी करेंगे उनके क्या क्या नेम है, कैसे होते हैं। तो ये क्या करते हैं, दैट पंप्स ब्लड इनटू द ब्लड वेसल्स, कि जो ब्लड वेसल्स यानी आर्टरीज और वेन्स के अंदर क्या करते हैं, ब्लड की सप्लाई करते हैं, ठीक है, ओवर 1000 times इन ए डे, एक दिन में कम से कम भी 1000 times। और हार्ट आपका कितने, एक मिनट में कितने टाइम्स बीट करता है, 60 to 80 minutes इन अ मिनट, एक मिनट में कितने टाइम्स, 60 to 80 times इन अ मिनट क्या करता है, आपका हार्ट बीट करता है, ठीक है।